हेलो एवरीवन, विचारानी क्लासेस। और आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन लर्निंग एंड रिमोट एजुकेशन। तो किस तरीके से हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ती जा रही है, तो उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, क्या चैलेंजेस आए, प्रैक्टिसेस किस तरीके से उसको और बेहतर किया जा सकता है, फ्यूचर और कंक्लूजन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन। तो जो ऑनलाइन लर्निंग है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंटरनेट आया है, जियो आया है, स्पेशली मैंने जियो की वजह से इंटरनेट के रेट्स में काफ़ी फ़र्क आया है। और उसके बाद से टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती जा रही है, तो लोग अब ईजिली अवेलेबल हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट को, वो कहीं भी बैठ कर वर्ल्ड के किसी भी कोने में आसानी से किसी भी समय पढ़ सकता है। ऑनलाइन लर्निंग कैन टेक फॉर्म्स ऑफ फुली ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये बेसिकली फुली ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ब्लेंडेड पार्ट्स में होते हैं, काफ़ी बार ये कॉम्बिनेशन भी होता है ऑनलाइन का और पर्सनल इंस्ट्रक्शंस का। उसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग को ये प्रमोट करता है ना। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बेसिकली ट्रेडिशनल कोचिंग में नहीं जा सकते, ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल की अपनी देश या जिस भी जगह वो रहे, उस जगह की वजह से या किसी भी वजह से दूर की कहीं कोचिंग है या दूसरे देश शहर की है, दूसरे देश की कोचिंग है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आसान है उन लोगों के लिए। एडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट कहीं भी बैठकर अपने शेड्यूल के हिसाब से आसानी से, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे उसको कहीं और कुछ काम करता हो, है ना, वो इन सबको मैनेज काफ़ी आसानी से कर सकता है। और इसकी वजह से जो ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन, यानी कि सामने वाले को खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तो सेल्फ डेवलपमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज सेल्फ डेवलपमेंट होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। उसके अलावा ये उन लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद है जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में जाके नहीं पढ़ सकते, जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन होते हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं, यानी कि जो मेन एरिया की कोचिंग में नहीं जा सकते किसी भी कारण में, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इसकी वजह से एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्रिएट होता है। तो उसके एडवांटेज और भी बहुत कई सारे हैं। अब आप जैसे हम टाइम फ्लेक्सिबल हो गया है, ये सब चीज़ें काफ़ी एजुकेशन सिस्टम को आसान करती हैं। चैलेंजेस, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस, इसके बेनिफिट्स तो हमने बहुत सारे बात करें पर चैलेंजेस भी रहेंगे कुछ इसमें, कि सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस बात अब नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली रहता है वो एक वीडियो, पर्टिकुलरली वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं काफ़ी बार, जिसमें स्टूडेंट्स प्रॉपरली क्लास को अटेंड भी नहीं करते, तो एक चैलेंज है इसका, है ना। दूसरा, स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं रहता क्योंकि बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद मस्ती करने लगते हैं, तो बेसिकली यहाँ फ़र्क क्या आया, उनको पढ़ने का उनका ध्यान हट गया है, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता है और टीचर उस पर पर्सनली ध्यान नहीं दे सकता। उसके अलावा एनर्जी चैलेंज होता है, बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सीखना पड़ता है, खुद की मैनेजमेंट स्किल, यानी कि उनको खुद का शेड्यूल खुद ही मैनेज करना है, टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करनी, कोई उन्हें बोलने वाला नहीं है, तो ये एक फ़र्क आता है। ऑफलाइन तो अपन जाते हैं, वहाँ पे टीचर हमें बताता है सब कुछ और हम ये चीज़ें करते हैं, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो स्टूडेंट को खुद ही ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं खुद के बलबूते पे। उसके अलावा कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाना, नेटवर्क एरर हो जाना, कोई सॉफ्टवेयर एरर हो जाना, जिस सब की वजह से भी ये चैलेंजेस ऑनलाइन लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। बेस्ट लर्निंग फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड इम्प्रूव बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए सबसे जो इसको सफल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है कि एक स्टूडेंट को खुद ही अपना रूटीन और शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, खुद के लिए गोल्स बनाने पड़ेंगे, डेडलाइन सेट करनी पड़ेंगी, कितने टाइम में इतना पढ़ना है या इतने ध्यान से देना है, टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, जो भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब में भी रेगुलरली पार्ट लेना है। बाकी जो इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, उसका रोल है कि वो टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहे, ध्यान देता रहे, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनको एंगेज रखे, मोटिवेटेड रखे। इसके लिए वो कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ करे, जैसे कि बच्चे ऑनलाइन क्लास को रेगुलरली अटेंड करें और
उनसे वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं ये हमें पता चल सके। फ्यूचर की बात करें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, चीज़ें अपडेट, नई नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, जैसे AI आ गया है अब, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ों को बदलती जा रही हैं। हमारा हो सकता है आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल हो जो कि कोचिंग को एक नया एक्सपीरियंस दे सकता है और लर्निंग को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकता है। हाँ, बट उसके अलावा चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिप्लेस करना ऑनलाइन क्लासेस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की तरह है, क्योंकि बेसिकली अभी भी हम लोग जो ऑनलाइन हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस से अच्छे हैं, बट उसके बाद भी ऑफलाइन हम कनेक्ट रह पाते हैं, टीचर से मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं, पर्सनली हमारा इंटरेक्शन रह पाता है। तो अभी उन सब के लिए तो ऑनलाइन का एजुकेशन इतना डेवलप्ड नहीं है, है ना। हाँ, वो एक अच्छा अल्टरनेट है ऑफलाइन कोचिंग का, उन लोगों के लिए बेस्ट है जो किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं या उस जगह है जहाँ से वो कोचिंग्स अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो कंक्लूजन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन, ये फ्लेक्सिबल है, बकायदा हम समझते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अपन किसी भी अपने शेड्यूल के हिसाब से आसानी से क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, यानी कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन से खुद को सीखना पड़ेगा, हमें पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और डाइवर्सिटी इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आसानी से ये सब कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी देखने मिलते हैं जिसमें होती है सेल्फ डिसिप्लिन। हम देखते हैं बच्चों में डिसिप्लिन सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मोबाइल चलाने की वजह से उनका और डिसिप्लिन और कम होता जा रहा है, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन को खुद से मेंटेन रखना पड़ता है, मैनेजमेंट स्किल, उन्हें अपना टाइम शेड्यूल खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि हमें इस टाइम क्लास लेनी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करेंगे, पर्सनली 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 एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, जिससे कि बच्चे के जो इनर डाउट है वो मोटिवेशन खो रहा है या उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब का रेजोल्यूशन हो पाना थोड़ा यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, बट इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर दोनों ही मिलके एक बढ़िया क्लास को कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, वी विल मीट सून।